वेलकम ऑल व्यूअर्स। पाकिस्तान सुपर लीग फर्स्ट मैच जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाना है, इसकी डिटेल प्रेडिक्शंस, ग्राउंड अपडेट्स, पिच रिपोर्ट और फाइनल प्लेइंग 11 में से ड्रीम 11 के की प्लेयर्स और कौन सी टीम ये मैच विन करने वाली है, ये और जो कुछ इनसाइड न्यूज़ होगी पीएसएल से रिलेटेड वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, प्रेडिक्शंस का पैटर्न, रूल नंबर 1 सबर, रूल नंबर 2 लिमिट्स, रूल नंबर 3 जो टीम शेयर करें या विन करें या फिर जैकपॉट स्टाइल में हारे, ठीक है। जो इनसाइड डिटेल्स हैं इस मैच से पहले पीएसएल की बात कर रहा हूँ, इस मैच को की प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले पीएसएल की बात करूँ, मेरे भाई जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना ये लीग भी घटिया होगी, ये होगी, वो होगी, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये वर्डिंग ये भी वीडियो में सेफ रहेगी, ये याद रखिएगा आप। ये लीग है जिसमें आप आसानी मैचेस को एंटरटेन कर पाएंगे, ठीक है। अब वो पॉइंट और वो टीम्स और किस किस वे में जाके वो हार सकती हैं या किस किस वे में जाके वो जीत सकती हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। और दो टेलीग्राम के चैनल लिंक हुए हैं यूट्यूब से और पिन टू कमेंट भी हो जाएंगे, वहाँ पे आपने कमेंट बॉक्स में जाके उन्हें ज्वाइन भी कर लेना है, बहुत ज़्यादा आपको उन चीज़ों के मामलात को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैच अच्छे नहीं होंगे, ये वाले मैच अच्छे होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के, ठीक है। और जो लोग मेरे भाई आपको कहते हैं ना कि मैचेस अच्छे नहीं होंगे, ये लीग भी फालतू है, ये है, वो है, उनकी एक रुपये का कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होती इन मैचों में, ठीक है। हमारा तो जो चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पे, हमारा अपना भी वही चीज़ होती है जो आपको बताते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई, टेलीग्राम पे भी बार बार बताया, और ये मैच पीछे कुछ दिनों से आप देख रहे हैं वन साइड मैच हो रहे हैं, अच्छे मैचेस नहीं हो रहे। मैंने आपको बताया पीएसएल स्टार्ट होने से पहले ये मैचेस ऐसे कोलैप्स करेंगे। अब आप लोगों का भी यही है कि आपने भी हर मैच करना है, फिर देखना है, फिर हमें भी आप लोग मैसेज करते हो, नहीं भी करा रहे तो फिर तब भी मैसेज करते हो, तो फिर भाईजान हमें भी मजबूरी से वो चीज़ बोलनी पड़ती है जो नहीं भी होती। अब इस जगह पे आके जो पहला मैच है इसकी बात करेंगे, बाकी सारी बातें जो इनसे डिटेल आपको बता दी है कि मैचेस अच्छे मिलने वाले हैं आपको पीएसएल के, ठीक है। स्टार्ट में पहला मैच आपको थोड़ा सा जब शुरुआत होगी वन साइड दिखेगा, कोई एक टीम वन साइड जा सकती है लेकिन कम बैक करेगी, ठीक है, ये पहली टिप आपको बता दी है फर्स्ट। और यहाँ पर आपको जो फॉरनर्स प्लेयर्स हैं मेरे भाई वो आपको बैटिंग में बेस्ट करते हुए नज़र आएंगे, जो लोकल प्लेयर्स हैं मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो आपको बॉलिंग में अच्छा करते हुए नज़र आएंगे, ये आप याद रखिएगा, पूरे टूर्नामेंट में आपको ऐसा दिखने वाला है। अब आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, फॉलो करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ड्रीम इलेवन की प्लेयर्स बताएंगे आपको यहाँ पे मेरे भाई, आप लोग फिर कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम नहीं बनती, भाई जहाँ पे बनती है उनके लिए, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं भी बनती, जब ये प्लेयर्स विकेट पे परफॉर्म कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप मैच को एंटरटेन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कॉलिन मुनरो, नंबर 2 पे एलेक्स एल्स, नंबर 3 पे शादाब खान, नंबर 4 पे फहीम अशरफ, ठीक है। ये मैंने आपको 5 की प्लेयर्स बताए हैं, सॉरी 5 की प्लेयर्स बताए हैं आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अब आ जाते हैं लाहौर कलंदर्स पे, अब्दुल्ला शफीक नंबर 1 पे, डेविड विसेस नंबर 2 पे, जमान खान नंबर 1 पे बॉलिंग ऑप्शन में, सिकंदर रजा नंबर 2 पे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, ठीक है। ये कुल मिला के 8-9 की प्लेयर्स हैं, बाकी एक दो अपने पास से ऐड कर लीजिएगा, ये आपको बेस्ट से बेस्ट करते हुए नजर आएंगे दोनों टीम्स की तरफ से, ठीक है भाई। स्कोर्स की प्रेडिक्शंस करेंगे, 80% पास होने के चांसेस, 20% आपने एरर रखने के रंग भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिएगा टेलीग्राम पे ओपनली वही चीज़ आएगी जहाँ पे हमारे वीडियो में कुछ रद्दल बदल होती है, ठीक है, कुछ चेंजिंग होती है, ये बात आपको क्लियर बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो मुकम्मल सुन लीजिएगा, ये ना वीडियो आप स्किप करें और आप वेट करते रहें टेलीग्राम पे अपडेट आएगी। टेलीग्राम पे मेरे भाई साहब ये अपडेट आएगी कि वीडियो में या मैच की कुछ अपडेट में चेंजिंग्स है, ये याद रखिएगा। लेकिन टेलीग्राम भी आप ज्वाइन रखेंगे तो अभी मैं फ़र्ज़ करें आपको यहाँ पर कोई भी टीम शेयर कर रहा हूँ इन रनिंग मैच मेरे पास अपडेट है या कुछ भी अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो फिर वो मैं टेलीग्राम पे करूँगा, अदरवाइज सेम कंटेंट के साथ मैच जा रहा है, सेम वीडियो के साथ जा रहा है, तो ये ही वीडियो आपने फॉलो करनी है, आप आसानी इस मैच को एंटरटेन कर लेंगे, ठीक है भाई।
ऑन बोर्ड ऑन पेपर विन प्रेडिक्शन में विन करार दी जा रही है लाहौर कलंदर्स की टीम। यहाँ पे स्कोर्स की प्रेडिक्शंस करेंगे 10 से 15 ओवर इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ही रहेंगे, चाहे फर्स्ट बैटिंग पे आए या सेकंड बैटिंग पे आए। सेकंड इनिंग 6 ओवर बड़ी प्रेडिक्शन इस मैच की, जो भी टीम बॉलिंग पे आई उसके पास रहेगी सेकंड बॉलिंग पे, ठीक है, चाहे इस्लामाबाद आती है चाहे लाहौर कलंदर आती है। दो स्कोर्स की प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर कर दिए भाई, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दोनों ही सेम वे में जाके पास होंगी, ठीक है। मैच विनर की बात करते हैं, अभी तक इन दोनों टीमों के आपस में जो मैच खेले गए हैं 17 मैचेस खेले गए हैं, हमने करंट पोजीशन देखनी है। ये जो फैक्ट्स हैं या जो स्टैट्स हैं ये आपकी वजह से बता रहा हूँ। तो 8 मैचेस जीती है लाहौर कलंदर और 9 दफ़ा जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, ठीक है। लेकिन ये इन चीज़ों से हमारी जो प्रेडिक्शन है जो भी है उसका इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैच स्टार्ट होता है, आपने शुरू के 2 से 3 ओवर मैच को देखना है। लाहौर कलंदर बॉलिंग पे आता है, एक आधी विकेट लेता है लाहौर कलंदर और मैच में विन प्रेडिक्शन में फेवरेट नज़र आता है आपको। फिर आपने इंटरटेन करना है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। हमारी इस मैच की मैच विनिंग टीम कौन सी है? इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर इस मैच को हारती है तो करीब से जाके जैकपॉट स्टाइल में हारेगी, अदरवाइज विन करेगी। और मैं आपको जैसा कि लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कौन कौन सी टीमें हमें अच्छा भला एंटरटेन कराने वाली हैं, तो वो जिन लोगों ने वीडियो देखी हुई है उनको पता लग जाएगा रनिंग मैच में भी। लाहौर कलंदर से आप इतनी उम्मीदें ना वाबस्ता कीजिएगा कि ये आपको मैच इंटरटेन करने देगी। ये नहीं मैं कह रहा कि मैच जीतेगी ही नहीं, मैचेज जीते तब भी आप मैच इंटरटेन नहीं कर सकते, हारी तब भी मुश्किल है, क्योंकि इसका मैच ये जो है ना, आप ये समझे अब किन की टीम है वो अगर मैं नाम लेता हूँ तो इधर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, ये उन्हीं की टीम है। आपको इससे आप मेलबर्न रेनिगेड समझ लें, ठीक है, जैसे वो परफॉर्म करती है बिग मैच में ऐसे ही ऐसे बात, ये भी वो ही करेगी। लेकिन ज़्यादा डिपेंड आपने जिन टीमों पे रखना है वो मैंने आपको जो बड़ी वीडियो बनाई है पीएसएल की उसमें बता दिया है। अब यहाँ पे मैच में जोल आपको दिखेगा या नहीं ये भी आपको बता दूँ, अच्छा खासा जोल आपको दिखेगा, ठीक है। दोनों ही टीम्स फेवरेट और अनफेवरेट होती हुई दिखेंगी, लेकिन सेकेंड इनिंग में, ठीक है, सेकेंड इनिंग आफ्टर 6 से 10 ओवर के बाद ना मैच आपको एक दफ़ा सही अच्छी खासी जोल मारता हुआ दिखेगा, चाहे उस टाइम कोई भी टीम फेवरेट हो, चाहे इस्लामाबाद हो या चाहे लाहौर हो। सेकेंड इनिंग आफ्टर 6 से 10 ओवर मतलब सेकेंड इनिंग में आपको इन द एंड 20 ओवर तक अच्छी खासी मैच में उतार चढ़ाव दिखेगा। अब वहाँ पे आपने मैच को कैसे इंटरटेन करना है ये भी आप पे ही डिपेंड करता है, लेकिन हमने अपना टोटल कंटेंट जो आपके साथ शेयर किया है इसमें भाई ये बात आप याद रखिएगा कि 80% ये सारी चीज़ें पास जाने वाली है, 20% आपने अरे रखना है। और अभी पीएसएल को अगर आपने रेगुलर फीडबैक से वीडियो को फीडबैक देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है ताकि हर मैच की वीडियो आपको मिलती रहे। और आगे कल के दिन एक मैच है, नेक्स्ट सैटरडे को मतलब सैटरडे को 2 मैचेस खेले जाने हैं, उनकी वीडियो भी मिल जाएगी। इस वीडियो को अपना फीडबैक लाजमी अपना रिकॉर्ड करेगा और आप भी अपनी मैच विनिंग टीम कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। बाकी भाजन हमने अपने कंटेंट के साथ अपनी अपडेट्स के साथ आपके साथ जो चीज़ रख दी है आप भी देख लेंगे मैच। अब मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ पीएसएल बहुत अच्छा है, और उन डरपोक लोगों की बातों में आके आप भी अपना ये सीज़न मिस ना कीजिएगा जो डरपोक लोग आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ये वैसी है ये ऐसी है, इन भाई उनका 1 रुपया भी नहीं लगा होता, ये मेरी बात याद रखिएगा। हम तो जो चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं अपनी भी वही होती है, उनके 10 रुपये भी नहीं होती कुछ भी। अब मैं आपको क्या बताऊँ, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।